आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे है आज, और मैं अभी नहाई हूँ। मेरे काम आज बहुत लेट हुए क्योंकि उसके पहले मैं कुछ दूसरा काम कर रही थी, एडिटिंग का काम कर रही थी। क्योंकि आज कैसे दोपहर में मुझे समय नहीं रहने वाला था एडिटिंग करने के लिए, तो इसकी वजह से मैंने सुबह ही किया। मैंने सोचा काम मैं बाद में करती हूँ, पहले एडिटिंग का काम निपटाती हूँ। क्योंकि कैसा ना, आज दोपहर में बच्चों की स्कूल जाना है हम लोगों को। आज आरुषि और अर्णव के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो 4 बजे से एनुअल फंक्शन शुरू होने वाले हैं। तो हम लोगों को 3:30 बजे पहुँचना है। तो अभी कितना बजे? अभी 2:15 बज रहे हैं। तो अभी तो मैं नहाई हूँ और मैंने अपनी तैयारी भी नहीं की। मैं सोच रही हूँ पहले मैं आरुषि का जो मेकअप रहता है ना वो कर देती हूँ, उसके बाद फिर खुद की तैयारी करूँगी। और आरुषि के पापा गए हैं मेडिकल, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे। आज जल्दी गए हैं और जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे। और अर्णव का भी डांस है, तो अर्णव की तैयारी हो गई है। ऐसा ना, लड़के लोगों की तैयारी उतनी नहीं रहती है और ज़्यादा कुछ मेकअप भी नहीं रहता है, लड़कियों का ही थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आरुषि ने अर्णव की तैयारी कर दी है। तो अर्णव गया अभी हॉल में, है ना, क्या कर रहा, टीवी देख रहा है ना। तो उसने जल्दी से तैयारी कर लिया, अपनी जो कॉस्ट्यूम रहती है वो पहन लिया और अभी वो टीवी देख रहा है हॉल में। अभी मैं आरुषि की तैयारी करती हूँ। इसकी तैयारी बहुत ये है, जूड़ा बनाना है, तो करती तैयारी। दूसरों का अच्छा कर लेती हूँ, उसका नहीं करती हूँ, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है। लोगों की चीजें छुप के देती है। तो आरुषि का मेकअप मैंने कर दिया था, तो मेकअप मुझे उतने अच्छे से करना नहीं आता है, खुद का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आरुषि को अच्छा लगता है। आरुषि बोलती है मम्मी आप अच्छे से कर लेते हो, तो मैंने उसका मेकअप कर दिया। और उसके बाद उसको जो ज्वेलरी आई थी, तो ये कॉस्ट्यूम के साथ ही मिली थी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी उसको पहना दी। ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं थी, सिंपल सी ज्वेलरी थी, हेवी ज्वेलरी नहीं थी। और हेयर स्टाइल मैम ने बताया था उसको कि हेयर स्टाइल ऐसे डाल के आना है ना, सभी लड़कियाँ एक जैसी डाल के आने वाली थी, लेकिन मुझे हेयर स्टाइल उतने अच्छे से आती नहीं है। तो मैंने बोला कि जैसे मुझे जमेंगी बेटा मैं वैसे डाल के दूंगी, अच्छी लगेंगी। जूड़ा डालना था तो फिर मैंने उसको डाल दी, हेयर स्टाइल डाल दी। और अर्णव आया था, अर्णव कह रहा था कि मम्मी मेरा मेकअप उतर गया है, तो फिर उसका भी मैंने कर दिया था क्योंकि आरुषि ने उसका सिंपल सा मेकअप किया था, तो उसके चेहरे पे ऐसा दिख नहीं रहा था कि मेकअप किया हुआ है। तो फिर मैंने उसका फिर से मेकअप कर दिया और फाइनली सब लोग तैयार हो गए थे। फिर जाने का समय हो गया था, 3:30 बज रहा था और स्कूल का मैसेज भी आ गया था स्कूल से कि 3:30 बजे सब बच्चे पहुँच जाओ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में फास्ट में तैयारी करी, सब लोग रेडी थे बस मैं रेडी नहीं थी। और ये भी आ गए थे मेडिकल से, तो ये भी तैयार हो गए और अब हम लोग निकल रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो जिस समय हम लोग निकल रहे थे ना, तो उस समय एक एक प्रॉब्लम हमको आ रही थी। तो हम लोगों ने लॉक लगा लिया सारे दरवाजों को और चाबी अंदर ही रह गई थी। और अर्णव को बोला था कि चाबी बेटा बैग में डाल दो, तो अर्णव ने क्या किया, बैग में चाबी डाला ही नहीं था, उसको हॉल में छोड़ दिया था। तो कैसे भी करके एक चाबी अच्छा थी कि बाहर थी हमारी, तो हमने वो चाबी से काम चला लिया। फिर हम लोग नीचे उतर गए, तो फिर अर्णव गॉगल भूल गया था और उसको डांस में गॉगल लगाना ज़रूरी था, तो वो हॉल में ही भूल गया था। फिर उसके पापा गए ऊपर और जो गॉगल रहता ना अर्णव का वो लेके फिर नीचे आए। देखो जल्दी से, तो
हम लोग स्कूल पहुँचे तो आरुषि की जो फ्रेंड्स लोग थी, आरुषि का वेट कर रही थी, तो आरुषि अपने फ्रेंड्स के पास चले गई और फिर अर्नो को लेके अर्नो की टीचर के पास चले गई थी, क्योंकि सब टीचर्स अपने अपने जो भी डांस के बच्चे हैं ना, अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनको एक जगह जमा करके एक जगह बिठा रही थी। तो मैं अर्नो को लेके जा रही थी उसकी टीचर के पास, और अर्नो का एक डांस था, अने दो डांस थे उसको कंबाइन किया हुआ था, तो अर्नो का डांस था बल्ला रे बल्ला और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ऐसे दो गाने पे अर्नो का डांस था, यानी वो मिक्स था वो, और आरुषि के तीन सॉन्ग थे तो वो मिक्स में थे, फ्यूज़ किए हुए थे, तो उसके थे गजाना ना विघ्नहर्ता, ऐसे गणपति के सॉन्ग थे, और आरुषि ग्रैंड वेलकम में भी थी, यानी आरुषि की जितनी फ्रेंड्स लोग थी तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट थी। तो अभी आरुषि का जो ग्रैंड वेलकम है ना वो स्टार्टिंग में ही था, तो अभी शुरू होता है, अर्नो की टीचर है। इस तरीके से प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। अभी 7 बज गए थे और प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। सबसे लास्ट में टीचर्स लोगों ने किया था, टीचर्स लोगों ने डांस नहीं किया, उन लोगों ने बोर्ड बना के लेकर आ गए थे और उसके ऊपर कुछ संदेश लिखा हुआ था, तो वो बहुत अच्छा था। तो उस तरीके से टीचर्स लोगों ने भी किया और नर्सरी से लेकर 10th तक सभी बच्चों ने किया और सबका जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ही अच्छा था। तो बस प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और हम लोग फिर निकल गए घर जाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी आगे हम लोग डांस देखकर, अभी कितना बजे आरुषि? 7:30 बज के अभी है ना, 7:30 बजे ना। और आरुषि कर रही है चेंज कपड़े और मैं अभी थोड़ा बाहर जाती हूँ। आरुषि तुम्हारे बेटा सामने ग्राउंड पे पापा वेट कर रहे, चल रहे क्या? आ रहे क्या तुम? हम मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आ रहे क्या बोलो? अच्छा लगा तो आ जाना, ठीक है मैं जा रही हूँ बेटा, बस एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ सामने से। तो चलो मैं यहाँ सामने से चक्कर लगा कर रखती हूँ। अच्छे डांस हुए बच्चों के। चेंज कर रही थी कपड़े, तो आरुषि चेंज कर दी, अर्नो भी करने का ही है अभी, करेंगे अर्नो। और खाना तो बनाना नहीं है, बना के गए थे हम लोग, थोड़ा बहुत बना के गए थे और अभी आराम करते हैं, थक गए हैं बाहर घूम के भी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जो भी चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का बच्चों का जो वीडियो है यानी डांस है उतना क्लियर तो नहीं दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है इसलिए मैं उसमें गाना नहीं डाल सकती हूँ। तो कैसा लगा ये आज का ब्लॉग वो भी बताना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।